हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक एक्चुअली बहुत बर्निंग टॉपिक है फ्रेंड्स। एज ए पेरेंट इस टॉपिक पर आप जरूर ही इंटरेस्ट देंगे, इसका मैं पूरा श्योरिटी दे सकती हूँ। इसलिए क्योंकि ग्राई वॉटर एक ऐसा चीज है जिसके बारे में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कंफ्यूजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसका सिंपल रीजन ये है कि कुछ जन ग्राई वॉटर के फॉर में हैं, कुछ जन ग्राई वॉटर के अगेंस्ट में हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि जो लोग ग्राई वॉटर के फेवर में हैं, उनको लगता है ग्राई वॉटर उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो ग्राई वॉटर अपने बच्चे को नहीं देना चाहते हैं, उनको लगता है ग्राई वॉटर में कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसके चलते वो नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, ये बोथ द साइड अपनी अपनी जगह पे सही है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ग्राई वॉटर अपने बच्चे को आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं देना चाहिए तो उसका रीजन क्या है। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड खत्म होते होते आपको ये समझ आ जाएगा कि आप अपने बच्चे को ग्राई वॉटर देना सही है या गलत है, क्योंकि इसके बारे में इतने सारे मिसकॉन्सेप्शन है, तो लोग इतनी बातें करते हैं, तो ये सारा चीज समझ के उन सब का कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए। क्योंकि जब मैं अपने बेटे गूगल को ग्राई पाउडर दूं कि ना दूं, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे। उस दौरान मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और उस दौरान कुछ वीडियोस भी देखा। फ्रेंड्स, उन सब में 80% यही बोले कि ग्राई पाउडर इज नॉट सेफ फॉर बेबीज। फ्रेंड्स, तो मुझे मन में काफी सारे डाउट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही था कि ग्राई पाउडर अगर सेफ नहीं है तो मार्केट में अवेलेबल क्यों है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक्चुअल में इसी के रिगार्डिंग में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, उसके साथ साथ गूगल के जो पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर विक्रमजीत दास, उनसे मैंने इसके बारे में कंसल्ट किया, उनसे सारा डिटेल्स में इस बारे में समझा। फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि ये चीजें हम क्यों माने और किस लिए इसका जरूरत है, ग्राई वॉटर का एक्चुअल में जरूरत है या नहीं है। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल की ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज आपको ये जानने की जरूरत है, ग्राई वॉटर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, ये आपका होम्योपैथी की तरफ आता है, या समहाउ कुछ आयुर्वेदिक भी इस चीज को अपने तरफ मानते हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि ये एलोपैथी में नहीं है। फ्रेंड्स, हमारे जो ट्रीटमेंट का कैटेगरी है, जैसे आयुर्वेदिक पकड़ लीजिए, होम्योपैथी पकड़ लीजिए, एलोपैथी पकड़ लीजिए, इन सब का अपना अपना सलीका होता है, अपना तरीका होता है कोई भी मेडिसिन को टेस्ट करने का। तो सबसे पहले आपको वो समझने की जरूरत है। पहला चीज है, एलोपैथी के जो मेडिसिन होते हैं वो क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब कोई नया मेडिसिन अगर मार्केट में आना हो तो उसको सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, और उसके बाद उनके जो भी रिजल्ट्स आए, जितने पॉजिटिव आए, क्या नेगेटिव आया, उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, उतने ही लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये रिसर्च किया जाता है, उसके बाद उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। फ्रेंड्स, ये है आपका एलोपैथी का मेडिसिन टेस्ट, और उसके बाद हम आते हैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की तरफ, क्योंकि ये दोनों एज यूजुअल ट्रेंड चलता आ रहा है और ये बहुत पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। फ्रेंड्स, मेनली ग्राई वॉटर को ज्यादातर होम्योपैथी की तरफ ही माना जाता है, तो इस वजह से आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी एज यूजुअल ट्रेंड के हिसाब से सालों से चला आ रहा है, और होम्योपैथी अपना जो भी मेडिसिन है उसको ट्रायल पे बिलीव नहीं करता है, क्योंकि होम्योपैथी इतने सालों से चला आ रहा है। फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन अगर होम्योपैथी का है तो उसको कुछ लोग यूज करने के बाद अगर कुछ रिएक्शन हुआ, एलर्जी हुआ या कुछ और प्रॉब्लम हुआ, तो उसको देख के ही मेडिसिन में कुछ चेंजेस किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी साइड इफेक्ट नहीं करता है। 99% केसेस में होम्योपैथी से किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सालों से चला आ रहा है, इसी वजह से भी ये ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो गया है
टेस्टिंग का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता और होम्योपैथी भी टेस्टिंग के ऊपर बिलीव नहीं करता। इस वजह से होम्योपैथी के जितने भी मेडिसिन आप पकड़ लीजिए उनमें साइड इफेक्ट का चांसेस बहुत कम होता है। फ्रेंड्स, अपने रिसर्च के दौरान मैंने कभी भी नहीं सुना कि होम्योपैथी मेडिसिन से किसी को एलर्जी हुआ हो। मेडिकल ट्रायल्स जो एलोपैथी में होते हैं, होम्योपैथी में ऐसा कोई मेडिकल ट्रायल नहीं होता। एज यूजुअल ट्रेंड होता है जो कि बहुत सालों से चला आ रहे जो मेडिसिन, उसी मेडिसिन को ही कंटिन्यू किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर कोई नया मेडिसिन होम्योपैथी में यूज भी किया गया तो उसको वो लोग कुछ 5 साल या 10 साल तक यूज करने का कोशिश करते हैं। अगर सामने वाले पे ये कोई रिएक्शन नहीं किया, इसका मतलब उस मेडिसिन को अप्रूवल मिल गया होम्योपैथी की तरफ से फर्दर यूजेस के लिए। तो इस तरह से होम्योपैथी अपना मेडिसिन का टेस्ट करता है और एलोपैथी इस तरह का टेस्ट कर। फ्रेंड्स, एलोपैथी और होम्योपैथी में जो मेडिसिन टेस्टिंग है ये होपफुली आप समझ गए होंगे। ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम चलते हैं ग्राई पाउडर की तरफ। ग्राई पाउडर क्योंकि होम्योपैथी फॉर्म में है और बहुत सालों से चला आ रहा है तो इस वजह से ग्राई पाउडर को सेफ माना जाता है, क्योंकि इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट करता हुआ किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। और क्योंकि बच्चे इसको लेने के बाद कभी आदत नहीं होता और कुछ टाइम के बाद अपने आप छूट जाता है, इस वजह से मैक्सिमम पेरेंट्स को लगता है कि ग्राई पाउडर उनके बच्चे के लिए सेफ है। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि बहुत सारे पीडियाट्रिशियन जो एलोपैथी में है या फिर होम्योपैथी या आयुर्वेदिक का भी पकड़ लीजिए, वो ग्राई पाउडर प्रेस्क्राइब करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत सालों से चला आ रहा है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, होपफुली इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल गया होगा। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट है, क्योंकि ग्राई पाउडर बहुत सालों से चला आ रहा है तो सबसे पहले ये जब बना था इसका पर्पस ये था कि पेट का कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कॉलिक हो, गैस हो, इंडाइजेशन हो या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को अगर हो तो उसका ट्रीटमेंट के लिए ग्राई पाउडर यूज किया जाता था। फ्रेंड्स, 1850 में इंग्लैंड में सबसे पहले ग्राई पाउडर यूज होना शुरू हुआ था। ग्रैनीज होते थे, नैनीज होते थे, वो सारे अपने बेबीज को ग्राई पाउडर देते थे अगर कोई पेट का प्रॉब्लम हुआ तब। उस टाइम पे ग्राई पाउडर में अल्कोहल होता था फ्रेंड्स, जिसके चलते बच्चों को काफी जल्दी रिलीफ मिल जाता था और जल्दी सो जाते थे। लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया हमें पता चला कि अल्कोहल बच्चों के लिए कितना टॉक्सिक हो सकता है और ये बच्चों को लत लगवा देता है। फ्रेंड्स, अगर अल्कोहल वाला ग्राई पाउडर आप रेगुलरली बच्चे को देते हैं तो इसका एक लत लग जाता है और बच्चों को फ्यूचर में ये छुड़वाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। तो उस टाइम पे फिर WHO द्वारा और बाकी सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको बैन कर दिया गया। फ्रेंड्स, अगर अल्कोहल बच्चों को रेगुलरली लिमिटेड डोज में ही सही पर दिया गया तो बच्चों के लिए बहुत टॉक्सिक साबित हो सकता है और फ्रेंड्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि ये हार्मफुल साइड में चला जा रहा था। उसके बाद जब टाइम गुजरता गया तो अल्कोहल इसमें से हटा दिया गया, ग्राई पाउडर विदाउट अल्कोहल मार्केट में अवेलेबल होने लगा और इंडिया में नाउ द डेज हम जो ग्राई पाउडर यूज करते हैं उसमें ना ही अल्कोहल होता है ना ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। फिलहाल जो ग्राई पाउडर मार्केट में अवेलेबल है उनमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैं आपको एक बार आज क्लियर करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ आपको और एक चीज भी जानने की जरूरत है, ग्राई पाउडर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताना चाहती हूँ इस बारे में। ग्राई पाउडर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो अल्कोहल फ्री होता है। नाउ द डेज जो ग्राई पाउडर बन रहे हैं मैं उसके इंग्रेडिएंट के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी हमें वही ग्राई पाउडर यूज करना है। फ्रेंड्स, पहला इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है ग्राई पाउडर में, वो उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो काफी कम होता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि बहुत पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट सही नहीं होता है। डेफिनेटली सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बच्चों को दिया गया तो बिल्कुल सेफ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि लिवर का फंक्शनिंग में ये डिस्टर्ब कर सकता है तो इस वजह से। लेकिन इसमें जो प्रोपोर्शन यूज किया जाता है वो बहुत ही मिनिमल होता है और क्योंकि दूसरे जो मेडिसिन बच्चों के होते हैं उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगर आप दूसरे कोई मेडिसिन चेक करेंगे उसके इंग्रेडिएंट तो बहुत सारे मेडिसिन में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे ग्राई पाउडर में फेनल, जिंजर,
चार्मोमाइल या लेमन बाम आप पकड़ लीजिए, ये यूज होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट भी यूज किया जाता है, ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, सोडियम बाइकार्बोनेट एक केमिकल है जो कि एक्चुअल में बच्चों के पेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जानने की आपको जरूरत है, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ज्यादा क्वांटिटी में रहा, उसका रेशियो अगर ज्यादा रहा, तो बच्चों के लिए ये सेफ नहीं है। लेकिन अगर WHO द्वारा या बाकी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्रूव करते हैं, इसका मतलब इसमें जो परसेंटेज है वो परमिशेबल परसेंटेज है। और ऐसे बहुत सारी दूसरे भी बेबी मेडिसिन हैं जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट इंक्लूडेड होते हैं, तो ये चीज, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ड्राई वाटर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे अदर मेडिसिन भी होते हैं जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। गैस और स्टमक पेन से भी बच्चों को रिलीफ दिलाता है, हम सबको पता है जिंजर का कितने बेनिफिट्स हैं, और क्योंकि फेनल सीड इंडाइजेशन को भी क्योर करता है, तो इस तरह का जो इंग्रेडिएंट है नेचुरल इंग्रेडिएंट, ये बच्चों को गैस और पॉलिक पेन से रिलीफ दिलाता है, हम सबको पता है, क्योंकि ये मेडिसिनल पर्पस के लिए डाला जाता है, तो इसका जो प्रोपोर्शन होता है ये उसी के अकॉर्डिंग होता है। फ्रेंड्स, ये सारे इंग्रेडिएंट बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं फिलहाल जो मार्केट में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अभी अगर आप ग्राई पाउडर चुनने मार्केट में जाएंगे तो ऐसे भी ग्राई पाउडर अवेलेबल है जिसमें ना ही शुगर होता है ना ही अल्कोहल होता है, क्योंकि एक साल तक बच्चों को शुगर भी मना होता है, क्योंकि शुगर अगर बच्चे लेने लगे तो उनका बॉडी का जो फिल्टरेशन प्रोसेस होता है ये काफी स्लो डाउन हो जाता है, और शुगर फिल्टर करने में बच्चों को काफी दिक्कत होता है। इस वजह से ग्राई पाउडर शुगर फ्री वाला भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप शुगर या अल्कोहल के बिना भी ग्राई पाउडर ढूंढना चाहते हैं तब भी वो आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले ताकि हमारी कम्युनिटी में ये हेल्पफुल साबित हो। होपफुली ये जो इंग्रेडिएंट है इसके ऊपर आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत सारे मदर्स मानते हैं कि उनके बच्चे को अगर ग्राई पाउडर दिया गया तो उसका आदत लग जाएगा या लत लग जाएगा, तो उसके बाद बच्चा छोड़ेगा नहीं, या फिर उसको ग्राई पाउडर देने से ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस तरह का जो डाउट मन में ऑलरेडी घर कर रहा है, इसका सिंपल रीजन ये है कि इंग्रेडिएंट में शुगर या अल्कोहल, इन सारा चीजों का जो नाम हम सुनते हैं इससे हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, एज ए पेरेंट अपने बेबी के लिए हम फिकरमंद है, जो कि एकदम नॉर्मल है। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी, जब मुझे ये सारे डाउट्स और कंफ्यूजन होने लगे तो मैं सीधा जाके गूगल के जो पीडियाट्रिशियन है विक्रमजीत दास उनसे बात की, तो वो मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। वो क्लियरली मुझे ये सारी चीजें समझा के ये बोले कि अगर आप ग्राई पाउडर बच्चे को देते हो तो अभी तक हम कोई कंप्लेन नहीं देखे हैं, और पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्राई पाउडर दे सकते हैं। तो इस वजह से ग्राई पाउडर है वो मैंने अपने बेटे को थर्ड मंथ से लेके जब वो 10 मंथ्स तक अराउंड था, जब तक वो ब्रेस्ट फीड कर रहा था, उस टाइम तक हमने ग्राई पाउडर उसको दिया है। हम नॉर्मली दिन में एक बार देते थे, शुरुआती टाइम पे हम 2 बार देते थे, जब वो 7 महीने के आसपास हो गया उसके बाद हम सिर्फ 1 बार उसको देते थे। और ऑनेस्टली मैं आपको जेन्युइन रिव्यू देना चाहती हूँ, आज तक मुझे कभी भी नहीं लगा कि ग्राई पाउडर के चलते मेरे बच्चे का कुछ भी चीज डिटोरेट हो रहा है। इसके बाद अपने आप ये छूट गया, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गूगल को एकदम लत लग गया हो, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक एडवांटेज ये मिला कि ग्राई पाउडर देने की वजह से उसको ना ही स्पीडअप्स हुए, ना ही उसको इंडाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ। ऑनेस्टली टच वुड मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैं इसका क्रेडिट समहाउ ग्राई पाउडर को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ऊपर बेस्ड है। और मेरे बच्चे का जो फीडिंग शेड्यूल रहता था, उसका जो स्लीपिंग पैटर्न रहता था, इवन उसके खाने पीने और कोई भी चीज़ में मुझे समहाउ लगा कि ग्राई पाउडर के चलते शायद मुझे प्रॉब्लम्स थोड़े से कम लगे कॉम्पेयर टू एनी अदर बेबी। फ्रेंड्स, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के भी बेबीज कुछ महीने डिफरेंस में हुए हैं, उनमें से कोई कोई ग्राई पाउडर देते हैं, कोई कोई नहीं देते हैं, उन सबका जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भी मैं आपको बता सकती हूँ। टच वुड मेरे बेबी का ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही हमें ग्राई पाउडर के चलते कभी कोई लत लगने का या उसके साइड इफेक्ट या फिर
कुछ भी ऐसा डिटोरिएट करने जैसा चीज नहीं हुआ। गूगल का हेल्थ भी एब्सोल्युटली फाइन है, उसका वेट गेनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना ही उसको लत लगा, ना ही फूड हैबिट्स में कोई मुझे चेंजेस लगा। गूगल का जो भी न्यू फ्रूट या फूड हम इंट्रोड्यूस किए वो काफी इजीली वो डाइजेस्ट कर देता था। इवन उसके टीदिंग के टाइम पे भी हमें ट्रबल नहीं हुआ, कभी भी फील नहीं हुआ, तो काफी इजीली और स्मूथली ये चीजें हो गया। समहाउ कुछ क्रेडिट तो मैं ग्राइवॉटर को डेफिनेटली दूंगी क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ऊपर बेस्ड है और पर्सनली मैं ग्राइवॉटर के फॉर्म में हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव रहा। अपने पीडियाट्रिशियन का कंसल्टेशन के बाद हम अपने बेबी पे ये चीजें यूज किए तो हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं लगा। और आज के एपिसोड के एंड में मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहती हूँ, आपको जो सही लगता है अपने बच्चे के लिए आप वही करिए। अगर आप ग्राइवॉटर के फॉर्म में हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोच कर परेशान हैं तो वो भी चीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि ये दूसरों को भी हेल्पफुल लगे, क्योंकि हम लोगों में से काफी ऐसे हैं जो ग्राइवॉटर के फॉर्म में हैं और बहुत जन ऐसे हैं जो कि ग्राइवॉटर नहीं देना चाहते हैं, तो आपके रीजंस भी हमारे कम्युनिटी में काफी हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, होपफुली आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है क्योंकि नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन तो लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज रकी साइनिंग ऑफ।